हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प। और आज सभी का स्वागत है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की नई क्लास में। कल तक अपन लोगों का इनवर्स लाप्लास पूरा हो चुका था, फिनिश, FINISH, ठीक है। और आज अपन को करना है नया टॉपिक स्टार्ट, और नया टॉपिक जो है वो हम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से फिर से शुरू करते हैं। तो जो भी महानुभाव अभी भी ऐसे हैं, ठीक है, जो अभी भी सो रहे हैं, ठीक है, कृपया जाग जाओ, ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ लो। 17 नंबर की आनी है अकेली, वो भी तुम्हें पास करा सकती है। एक ही टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, बाकी लाप्लास इनवर्स लाप्लास तो गया बाउंसर, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैट्रिक्स को बाउंसर नहीं बनाना है, ठीक है, मैट्रिक्स में अपन को सिक्सर लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि इंसान की जो जिंदगी होती है, उस जिंदगी में इंसान एक ऐसा क्रिकेट का मैच है जिंदगी, ठीक है, जहां पर इंसान जो है कभी आउट नहीं हो सकता, ठीक है। पता क्या है, ना कोई विकेट लगे पीछे, कुछ नहीं, ना कोई फील्डर है उसमें, कुछ नहीं, केवल आप हो और सामने जिंदगी है, ठीक है। जिंदगी आपको बॉलिंग करती जा रही है, आप बैटिंग करते जा रहे हो, उसने एक बॉल फेंकी, आपने लगाया, मिस हो गई, लेकिन पीछे तो कोई है ही नहीं कि आउट हो जाए, है कि नहीं, क्लियर। दूसरा लगाया, वो भी मिस हो गई, तीसरा मिस, चौथा मिस, पांचवा मिस, छठवीं गेंद आई और हमने लिया और पेल के मार दिया सिक्स, ठीक है। तो एक ही बॉल में सारी चीजों का हिसाब बराबर, क्लियर कि नहीं, है ना। तो जिंदगी एक ऐसा क्रिकेट का मैच है जहां पर आप आउट नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप आउट नहीं हो सकते, केवल क्या हो सकता है, जब तक कि आप मैच छोड़ के भाग ना जाओ, है ना। केवल एक ही चीज है, या तो जिंदगी अच्छे से जी लो, नहीं तो जिंदगी को छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। थक गए तो बैठ जाओ ना वहीं, ठीक है, थके जाओ, बढ़िया है, ठीक है। जिंदगी में कभी थकना नहीं चाहिए, इंसान को जिंदगी में कभी थकना नहीं चाहिए, चलते रहो। पहले दौड़ लगा के चल रहे थे, थक गए तो आराम आराम से चलने लगो, लेकिन चलते रहो, ठीक है, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है, जो रुक गया सो वो अपने घर में जाके सो गया, ठीक है। तो बात करनी है अपन को मैट्रिक्स की, क्लियर, ठीक है। चलो भैया मैट्रिक्स शुरू करते हैं, जिनने पहली जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो जरा अच्छे से समझना, और जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उन्हें अगर बोरियत हो तो वो कल से नहीं आना, जब मैट्रिक्स खत्म हो जाए वो परसों से आ जाना, ठीक है। हाँ, क्यों न्यू ईयर पे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, ऐसे कौन से वेद में लिखा है। बात नहीं बताओ, किसी वेद में लिखा है कि न्यू ईयर पे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बल्कि न्यू ईयर पे तो और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। नई साल में पढ़ाई, पूरी साल पढ़ाई होगी, कितनी अच्छी बात है। चलो भाई, तो मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं इसको अपन आप व्यू, ठीक है। क्लास हो चुकी है स्टार्ट, बातें कर दो बिल्कुल अब बंद, ठीक है, जो बातें करनी थी सो हमने कर ली, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी, अपने अपने पेन निकाल के बैठ जाओ, ठीक है, राजा लाड साहब बने ना बैठे रहो, ठीक है, कि बैठे बैग बंद और जेब बैठे वैसे, सर पढ़ा रहे हम सुन रहे, कथा नहीं बच रही थे, ठीक है, कि सत्यनारायण की कथा बच रही हो, हाथ में चावल ले लियो बैठे, पंडित जी बोल रहे लीलावती थी कलावती थी और तुम लगे हो, क्लियर ना। पढ़ाई चल रही है तो हाथ में पेन, ठीक है, और कॉपी ले लो और आराम से लिखते चलो, ठीक है। पंडित जी हैं, हम पंडित जी हैं मान रहे, लेकिन हम अभी कथा नहीं सुना रहे, ठीक है, सब आता मैं। स्टार्ट करें, चलो भाई। तो आव्यूह या मैट्रिक्स होता क्या है, जल्दी से समझ लो,
एक ऐसा सिस्टम जिसमें एलिमेंट्स को रो तथा कॉलम में व्यवस्थित करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं तत्व या अवयव। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो बोलेंगे तत्व। ठीक है, रो का मतलब होता है पंक्ति, ठीक, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, अब स्तंभ का मतलब ये नहीं कह देना पिलर। ठीक है, हाँ, पंक्ति का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसका मतलब होता है क्षैतिज रेखा। ठीक, और स्तंभ का मतलब होता है आपका वर्टिकल, मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्लियर? मतलब अगर हम यहां पे कहें कि ए एक ऐसा सिस्टम है जिस पे हमने बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमने बहुत सारे एलिमेंट को क्या किया हुआ है, ये देखो। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने रो और कॉलम में क्या किया हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, पूरा एक मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स जो होती है इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मतलब जो भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं उन्हें किसमें लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स हुई, और एक होता है आपका डिटरमिनेंट, मतलब सारणिक, ऑब्वियस और सारणिक। तो सारणिक में भी सेम चीज होती है, एलिमेंट को हम उसमें भी रो और कॉलम में लिखते हैं, बस उसको दो पैरेलल लाइनों के बीच में लिखते हैं। किसमें? डिटरमिनेंट में। ठीक है, डिटरमिनेंट में हम जो एलिमेंट होते हैं उनको किसमें लिखते हैं, पैरेलल लाइन के बीच में, इसमें हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें ये जो लाइनें हैं, ठीक, ये जो लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं क्या, रो, मतलब पंक्ति। ठीक, आया क्या? ठीक, और ये जो लाइनें होती हैं, ठीक, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक, क्लियर? ओके, तो हम अगर आपसे कहें कि ये जो है मैट्रिक्स आपकी कैसी है, ठीक, तो हम कहेंगे ये एक मैट्रिक्स है m बाई n की। ठीक है, जहां पर जो m होता है ये नंबर ऑफ रो को शो करता है, ठीक है, और जो n होता है ये आपका नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। ठीक है, मतलब ये पंक्तियों की संख्या प्रदर्शित करता है, पंक्ति की संख्या प्रदर्शित करता है, और ये आपका स्तंभ की संख्या प्रदर्शित करता है। क्लियर ना? बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, जहां से शुरू ही मैट्रिक्स वहीं से। ठीक है, नहीं तो हम सीधा चाहते तो केले हैमिल्टन प्रूफ करवाना सिखा देते, 5 नंबर का आता है, कह देते याद कर लो। ठीक है, ये कौन था, ओफो का मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पे कोई बोल बहुत बढ़िया बात कह दी हमने, ओफो, अरे वाह क्या शायरी मारी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको कितनी रो दिख रही है, देखो, एक रो, दो रो, तो यहाँ पे दो रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो ये 2x2 की क्या हो जाएगी, एक मैट्रिक्स हो जाएगी, 2x2 का एक ऑब्वियस हो जाएगा। नहीं आया? अगर आगे हम बात करें इसकी कि ए इज इक्वल टू, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी 3 1 4 2 1 2 1 2 6 1 4 2, ठीक, ये दे दी हमने आपको एक मैट्रिक्स, तो इसमें आप जरा ध्यान से देखो, 1 2 3, R1 R2 R3 कितनी रो हैं, 3 रो हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 C1 C2 C3 C4 कितने कॉलम है, 4। ठीक है, तो ये कितनी बाई कितने की हो जाएगी, ये 3x4 की हो जाएगी, 4x3 की नहीं होगी। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोटी, सॉरी ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x4 की मैट्रिक्स है।
ठीक है, बाकी वो अगले चैप्टर में अपन सीखेंगे सेकेंड चैप्टर में कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो चीज अलग है। ठीक है, यहाँ पे अपन को ये सीखना है कितने बाई कितने का क्या है ऑर्डर है, और इस ऑर्डर कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है इसका यूज अभी आगे और होगा, वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा मल्टीप्लाई परफॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स का कि नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी मैट्रिक्स कैसी है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे बाद में। तो ये हुई आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सबने ये नोट किया कि नहीं किया? ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, नहीं लेना चलो अच्छी बात, जिसने लेना होगा तो वो ले गया, पता है तो हमने ले लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं अपन किसकी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं अपन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करने से पहले नहीं, इसी की बात करेंगे बाद में, अपन सीखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे ओपन किया जाता। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के प्रकार। चूंकि ये दोबारा से पढ़ा रहे हैं इसलिए आज हम आपको स्लो बता रहे हैं, कल से ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कल से क्वेश्चन और सीधे धड़ाक से आंसर चाहिए हमें, आव्यूह के प्रहार नहीं आव्यूह के प्रकार। ठीक है, अरे वो महाप्रहार बैच लगाया था ना मैट्रिक्स का, वो याद आ गया। ठीक है, जिसने भी मैट्रिक्स का महाप्रहार बैच देख लिया उसको तो मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसमें सब कुछ बताया, क्योंकि दो 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 थे शायद, है ना, हाँ दो महाप्रहार थे उसके दो पार्ट में। ठीक है, उनमें पूरे ही टॉपिक क्लियर हुए हैं, और जिसको नहीं हुए तो वो अभी तो पढ़ ही लो। ठीक है, चल रहे हैं अपन आराम से। तो सबसे पहला जो होता है वो है आपका कैसा आव्यूह, सबसे पहला है आपका पंक्ति आव्यूह। क्या? पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। ये मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है बहुत मोस्ट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह हिंदी में, इंग्लिश में रो मैट्रिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज रो मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह। सर जी नोट्स नहीं बनवाते, हम बोलते जा रहे लिखते जाओ, कह हाथ नहीं है का, जब हम लिखते जा रहे तुम लिखते जाओ। एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या एक हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और आज के बाद हमसे कोई ये नहीं कहेगा सर हमें मैट्रिक्स नहीं आती, मैट्रिक्स पढ़ी नहीं। एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या क्या हो, मतलब रो एक हो कॉलम चाहे जितने हो, ठीक है, तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा हमारा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जिसे नींद आ रही हो घर जाए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, सो यहां आप देख रहे होगे इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, जाओ ऑप्शन तो दिया मैंने। ठीक है, 1 2 3 4, तो कॉलम आपके बहुत सारे बट रो आपकी कितनी होगी, केवल एक होगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा कॉलम आव्यूह, सॉरी स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह या मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम अर्थात स्तंभ की संख्या 1 हो, 1 हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं।
ठीक है। अगर हम आपको उदाहरण के लिए बोलें तो उदाहरण तो सभी लोगों को अच्छे से देने आते हैं, है ना। हाँ तो उदाहरण ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ठीक, देखो जरा इसमें रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, यस चार रो है लेकिन देयर इज ओनली 1 कॉलम। क्लियर, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ठीक है, इट्स रॉकिंग ब्रो। आगे बढ़े, नेक्स्ट है तीसरा वर्ग आव्यू। वर्ग आव्यू का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जान, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स में जे जी मिलेगी अपन को, ठीक। सो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देखते हैं अभी अपन इंग्लिश में बता दें क्या डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम नोन एज ए कॉलम मैट्रिक्स, एग्जाम्पल दिस। वर्ग आव्यू क्या होता है, एक ऐसा आव्यू या मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ रो स्तंभों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ C-O-L-U-M-N कॉलम्स, ठीक है, एक ऐसा आव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है या समान होती है या इक्वल होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। A matrix in which number of rows is equal to the number of column is known as square matrix. Okay? English माध्यम वालों के लिए, अपन तो भैया शुद्ध देसी इंसान, उदाहरण, ठीक है, A is equal to, मैंने आपसे कहा 2 1 2 1, नहीं गलत बात, 2 1 1 2, ठीक। So how many rows in it, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, यस ओके। सो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो इक्वल टू 2 और 2 2 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर। जैसे हम आपसे कहें कि B इज इक्वल टू 3 3 2 1 2 1 2 2 1, क्या बात है, ठीक। तो इसमें देखो जरा आप कॉलम 1, ओ गलत भाई साहब, कहाँ जा रहे राहुल, हाँ रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, रो मत, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यस और नो, आया क्या, हाँ नहीं, हम तो कर ही रहे। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3, 3 3 बराबर होते हैं क्या, यस सर, ठीक है, 3 3 दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये 3 by 3 की क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, आ गई, हाँ कौन सी मैट्रिक्स होगी, क्यूब भैया, रो है और कॉलम है, 2 डायमेंशन है ना, है ना, क्यूब में 3 डायमेंशन चाहिए, है ना, तीसरी लेके आओ हम बना लेंगे क्यूब, ठीक। आगे बढ़े, वर्दी चढ़ेगी लगेंगे सितारे, जय है जय है, ठीक। तीसरी के बाद चौथी, शून्य आव्यू, शून्य आव्यू जिसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नल
नल मतलब जीरो होता, अब नल का मतलब यहाँ पानी वाला नली थोड़ी है, वो टैप होता है इंग्लिश में, या नल है इंग्लिश में, हिंदी में नल नहीं लिखा हमने, इंग्लिश में नल लिखा। हे भगवान, क्या होगा आजकल के बच्चों का, इनको तो भैया अपने यंत्रों से ही फुर्सत नहीं है। चलें आगे, तो व्हाट इज नल मैट्रिक्स, व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, व्हाट इज शून्य आव्यूह, ठीक है। तो एक ऐसा आव्यूह, अब हम छतरी डालेंगे, देखो यहाँ पे जो छत डलती वो नहीं डालेंगे, एक ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव, जिसमें सभी अवयव शून्य अर्थात जीरो होते हैं, लिखो है सामने, उसे शून्य, तो इतना गम खाओ हम हटें सो देखने लगे, आव्यूह अर्थात जीरो से हीरो मैट्रिक्स कहते हैं। हाउ भाई साहब, जे बोले इंग्लिश मीडियम वाले, एलिमेंट तत्व नंबर, हाँ तब नहीं देखेंगे ना वो, उन्हें हर बार बताना पड़ता, हाँ तो ऊपर लिखा तो था सबसे पहले, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, सो द मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ओके हाँ, तो कहाँ खींची, तो वहां जहां बोले बोला था वहां नहीं खींची ना। फॉर उदाहरण, उदाहरण के लिए अगर हम बोले कि a इज इक्वल टू शून्य 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 शून्य, यस, तो क्या इसमें शून्य के अलावा तुम्हें कुछ और दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, हो गया। आगे बढ़े क्या, वेरी गुड, ऐसे बच्चे सभी को दे भगवान। अगला आता है पांचवा, विकर्ण आव्यूह, भाई साहब पूरी ठंड भग जी आज तो लिखवाए हम दोनों, विकर्ण आव्यूह अर्थात होती है डायगोनल मैट्रिक्स, बात नहीं देखो यार, नोट करते चलो चुपचाप से, है ना, सभी बच्चे जो हैं अच्छे बने, ठीक है, नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूं वाले टाइप। नहीं तुम पूरा कर दो हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में अवयव हो तथा अन्य अवयव शून्य हो, इंग्लिश मीडियम वाले कृपया प्रतीक्षा करें, उन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे, अन्य अवयव शून्य हो, उस विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ओके, अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज एलिमेंट ओनली इन डायगोनल एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर जीरो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में तो एलिमेंट हो बट डायगोनल के अलावा और सारे एलिमेंट हो शून्य जीरो, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बात क्लियर की न्यू, क्लियर क्लियर, बहुत अच्छा, ऐसी बातें क्लियर करते चले गए अपन। इंग्लिश में अ मैट्रिक्स इन विच, नहीं, अ मैट्रिक्स इन विच कॉमा देयर आर एलिमेंट्स इन डायगोनल बट ऑल द अदर एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल, या ऐसे लिख लो, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। उदाहरण, a इज इक्वल टू 200030004, देखो
जीए डिंग गलत गए डिंग 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 क्लियर। सो ये डायगोनल, डायगोनल में एलिमेंट है बाकी सब आया, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई अपनी डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आदि। क्लियर, आगे बढ़े नहीं, कितने हो गए, पांच हो गए। छठवां, इकाई सदिश, इकाई सदिश नहीं सॉरी इकाई आव्यूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका इनकी पहुंच वहां वहां तक है जहां जहां तक मैट्रिक्स की पहुंच है। इकाई आव्यूह अर्थात यूनिट मैट्रिक्स, अभी देखो एक आगे आएगी यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, एक आएगी यूनिट मैट्रिक्स और एक आएगी यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। सो यूनिट और यूनिटरी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे देखो डेफिनेशन, एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव खड़ी लाइन हो, मतलब बन खड़ी लाइन, ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव वन हो तथा अन्य अवयव, अरे क्या जेठ जी आ गए, तथा अन्य अवयव मोनाक लो अन्य अवयव शून्य हो, उसे नहीं अब नहीं कोरोना हो जाए, तथा अन्य अवयव शून्य हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। लिख तो आव्यूह रहे ना, मुंह से गलत बोल गए तो कमास की जीभ पलट जाती, हद कर दी, उसे इकाई आव्यूह अर्थात यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। कृपया हमारे एम को एम समझो। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज वन एंड अदर एलिमेंट आर जीरो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ हो गया, क्या तक में लिखा है ना, तत्सम तद्भव, ये कहाँ पहुंच गई, कौन सी बुक में लिखा, एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव वन हो तथा अन्य अवयव शून्य हो, उसे इकाई अवयव, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे हम आपसे कहें उदाहरण के लिए, ठीक, आई इज इक्वल टू 1001 डिंग, देखो इसका ये रहा डायगोनल और डायगोनल के सारे अवयव कैसे हैं वन वन, बाकी सारे जीरो, तो ये क्या हो गया, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये दो बाई दो की मैट्रिक्स, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आई टू, ठीक, आई टू का मतलब दो बाई दो की यूनिट मैट्रिक्स, आई टू का मतलब क्या होता है टू बाई टू की यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब कोई कहना वन बाई वन की बनाओ, नहीं होती, ठीक, डायगोनल नहीं बनेगा ना उसमें, हाँ आई थ्री, बहुत बढ़िया, 1001 डन। अब देखो जीरो से लग गया, वो जीरो बीच में तो है, हाँ तो क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम लोग कॉपी सजाओ, हम अपना बोर्ड सजा रहे, ठीक, हमारे पास कलर ऑफ चॉइस इतनी सारी है, काय के लाने हैं जा,
जी देखो इतने सारे कलर है हमारे पास, काय के लिए हैं जे? ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं अपनी आई थ्री, मतलब 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स। नहीं आई समझ में? आ गई? कहाँ है? कैसे में? जे 0 0 1 0 1 0 1 0 0। जी भी तो डायगोनल ही है, हाँ लिख सकते, लेकिन यूज ज्यादातर यही की जाती है। नहीं ये नहीं करेंगे, यही होगी। ओके, क्या वैसे भी यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं कहलाएगी? अरे भैया यूनिट मैट्रिक्स जो है आपकी हद कर दी, क्या अब बकाय नहीं कहलाए? चलो छोड़ो इसे, ये हो गया। वैल्यू अगर आपको आई की कभी भी लिखने को आए तो आप ये वैल्यू लिखेंगे, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो आप ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ें। और कौन सी मैट्रिक्स है? अरे बे बाद में, हाँ एक और है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। भैया लड़ो नहीं, त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, त्रिभुजीय आव्यूह हिंदी में इसे कहते हैं ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। आओ कर लो, पूरी कर लो बातें, यही से तो हम मैट्रिक्स शुरू नहीं कर रहे थे। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो है वो खुद दो टाइप की होती है, ठीक है, जो की होती है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। हमारा जो पेन है ये, इसको भी हिंदी लिखने में कठिनाई होती, ठीक है। हाँ तो उच्च त्रिभुजीय मतलब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और ऐसे बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपर और क्या है लोअर, ठीक है, ध्यान से समझना। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है? अपर ट्राइंगुलर का मतलब ये है डायगोनल, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हो, नीचे के एलिमेंट हो गए जीरो, ठीक। जे डैश से जैसे एग्जांपल ही से समझ लो, ए इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक, और हमने इसका कहा कि आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बताओ, ठीक है, इसकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बताओ। तो हम सीधा डायरेक्ट जाके अटैक करेंगे डायगोनल पे, ठीक, और डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट है वो तो लिखेंगे 1 2 3, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कर देंगे 0 3 4 0 0 5। नहीं आया? देखो, ठीक है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कर दो 0, ऊपर के जैसे हैं वैसे ही रहने दो, ये बन गई आपकी अपर ट्राइंगुलर, ठीक। अब हम कहें इसी की क्या बनाओ, इसी की लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाओ। देखो कैसे बनाएंगे, 1 3 5, ये डायगोनल, डायगोनल के ऊपर के कर दो 0, नीचे के जैसे हैं वैसे ही रहने दो 2 3 4, 0 0 0, ये बन गई आपकी लोअर ट्राइंगुलर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो?
ठीक, तो इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी ये और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी ये। क्लियर? ओके, अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे, उन्हें जगाओ, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो डेली का एक गोल तो आपको सेट करना ही चाहिए कि आज हमें इतना तो पढ़ना है ना, तभी पढ़ाई होगी, नहीं तो थोड़ी ना होगी। जैसे क्या होता, सभी लोग अपना एक गोल सेट कर लेते, आज तो बिग बॉस का एपिसोड 10:30 से पूरा देखना है, या आज तो भैया कुमकुम भाग्य पूरा देखना है ना, कुंडली भाग्य पूरा देखना है, सास भी कभी बहू होगी देखना है ना, गोल सेट हो जाता कि नहीं हो जाता। ऐसे ही और भी बहुत सारे यहाँ पे रोडीज के शौकीन बैठे होंगे, है ना, रोडीज के शौकीन, भैया शनिवार को एपिसोड आने 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं, वो गोल सेट हो गया इनकी लाइफ में, और जैसी रोडीज खत्म होना सो स्प्लिट्स पे आ जाना, है ना। ठीक, आगे बढ़े, एक और मैट्रिक्स दे रहे हैं, जा उसका अपर और लोअर बना के बताओ। ए इज इक्वल टू, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है बहुत बढ़िया, ठीक है, हर्ष सेवटिया, उसका एक गोल है कि उसे आर्मी में जाना है चाहे कुछ हो जाए, चलो बात नहीं, 2, 4, 6, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है, इसकी आपको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनानी है और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, जल्दी से बताओ आंसर सभी लोग, सभी को बनानी है इसकी अपर और इसकी लोअर, हमें तो आता है, आप लोग कर लो, कर लिया तो सभी लोग साथ में बताएंगे, ठीक है, सभी लोग 2, 3, 1 जोर से, वेरी गुड, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसने यहां 0 बोला वो महामूर्ख आदमी, यहां 0 नहीं आएगा, डायगोनल पूरा आएगा, डायगोनल के ऊपर 0 हो जाएंगे। क्लियर? ओके, आया नहीं आया सभी को? पक्का? एक और करें? अरे आगे बढ़े, तो ये हो गई आपकी कौन कौन सी मैट्रिक्स, 7 टाइप की मैट्रिक्स हो गई, मैट्रिक्स समझ में आई क्या? हाउस द जोश नहीं है, मजा नहीं आया, अरे रुक जाओ, मैट्रिक्स समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े, बात नहीं, अगली मैट्रिक्स पढ़ने, सम्यताप्यू, ये पढ़ने से पहले हमें एक और पढ़ना पड़ेगा, परिवर्तआव्यू, परिवर्तआव्यू, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, चुप करो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्तआव्यू, समझो, यदि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया जाए तो परिवर्तआव्यू प्राप्त होता है, सिंपल, क्या यदि ए आई जे को हम ए जे आई बना दें, व्हाट इज आई जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, ठीक है, तो कॉलम को बना दिया रो, रो को बना दिया कॉलम, क्लियर ना, यदि ए आई जे को हम ए जे आई बना दें, ए आई जे को हम ए जे आई बना दें, ठीक है, को ए जे आई बनाने पर परिवर्त आव्यू प्राप्त होता है, परिवर्त आव्यू प्राप्त होता है, यस, परिवर्त आव्यू, जैसे अगर हम कहें ए आव्यू का, अगर ए कोई एक आव्यू या मैट्रिक्स है
अगर ए कोई एक मैट्रिक्स या आव्यूह है तो ए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है, ठीक है, वो ए डैश होगा। क्लियर? क्या है बात समझ में आई? यस। तो अगर हम रो को कॉलम या कॉलम को रो, दोनों में से कोई एक परिवर्त करोगे आप, क्योंकि एक चेंज करने पे दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यदि रो को कॉलम या कॉलम को रो में परिवर्तित चेंज कर दें, बदल दें आपस में, ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त हुए आव्यूह को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह कहते हैं। यदि ए कोई एक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए डैश। बी कोई मैट्रिक्स है तो बी का परिवर्त आव्यूह क्या होगा? बी डैश। सी कोई मैट्रिक्स है तो सी का परिवर्त आव्यूह क्या होगा? सी डैश। बस समझ में आई क्या? पक्का? हाँ ठीक। हाँ, या फिर इसको आप ये लिख सकते हो, और ए की पावर टी, ए टी, ओके, इंग्लिश में बोल दे, इफ वी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम विद ईच अदर सो वी गॉट अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यूके वाली। आगे बढ़े, बात नहीं, अब हमें जरा जल्दी से बताना, ठीक है। देखो उदाहरण, उदाहरण देखो, जैसे हमने कहा ए इज इक्वल टू है 212642123। यस, हमने आपसे कहा इसका ए टी बताओ, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताओ, ए डैश बताओ, ठीक। देखो ध्यान से समझना, 212 क्या है? रो है, हमने कॉलम बना दिया, ठीक है। नहीं आया समझ में? इनने बेइज्जती करा दी भाई भरे समाज में, ठीक है। 212 क्या था? क्या बना दिया? 642 क्या है? कॉलम। 123 क्या है? बना दिया। ये बन गई इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बताओ बात समझ में आई क्या? नहीं आया? रो को कॉलम। अब ऐसा नहीं कि हमने पहली वाली रो बना दी कॉलम और दूसरी वाला कॉलम बना दिया रो, दोनों एक साथ नहीं, या तो पूरी रो कॉलम बनाओगे या पूरे कॉलम रो बनाओगे। क्लियर बात? यस और नो? आज हम तब तक नहीं जोड़ेंगे जब तक ऐसे सब कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। आ गया। अब जल्दी से हमें एक हम मैट्रिक्स दे रहे हैं, हमें आंसर बताना सभी लोग साथ में मिलके, ठीक है। बच जाने दो। ए इज इक्वल टू 125 521 165, ठीक। इसका ए डैश क्या होगा? एक मिनट, एक साथ, 125 121 165। बात समझ में आई? अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको मैट्रिक्स की ये जितने टाइप आज बताए हैं वो समझ में आए हो तो इनको एक बार याद कर लेना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।